नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज रूम पोस्ट में। G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार ने 8, 9 और 10 सितंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार की तरफ से इस संबंध में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी इस नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली के सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर और शिक्षण संस्थानों में छुट्टी रहेगी। इसके बाद 9-10 सितंबर को शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी। जिन दफ्तरों में शनिवार की छुट्टी नहीं होती है उन दफ्तरों में भी 9 सितंबर को शनिवार की छुट्टी का ऐलान किया गया है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट होने जा रहा है। इस बार भारत ही G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस कार्यक्रम में 29 देशों के प्रमुखों के साथ साथ यूरोपीय संघ के शीर्ष अधिकारी भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा आमंत्रित देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के भी इसमें भाग लेने की संभावना है। इन सब की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया है। वहीं नई दिल्ली में ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके बारे में आपको हम बताते हैं इस वीडियो में। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने देश की राजधानी दिल्ली में 3 दिन के सार्वजनिक अवकाश की मंजूरी दे दी है। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान, संगठन बंद रहेंगे। साथ ही सभी निजी ऑफिस, संस्थान, स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। नई दिल्ली जिले में स्थित सभी तरह के बैंक भी बंद रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि सभी दुकानें और व्यवसाय भी बंद ही रहेंगे। भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों को चढ़ने उतरने की अनुमति नहीं होगी। नई दिल्ली जिले में सबसे अधिक पाबंदी रहेगी। इस जिले के अधिकार क्षेत्र में आने वाले खान मार्केट, जनपद, नॉर्थ प्लेस व बंगाली मार्केट समेत सभी तरह के निजी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों व मॉल को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। किसी भी सार्वजनिक वाहन या भारी वाहन को मथुरा रोड, भैरव रोड, पुराना किला रोड व प्रगति मैदान सुरंग में जाने की अनुमति नहीं होगी। सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान, सरकारी और गैर सरकारी संगठन बंद रहेंगे। निजी ऑफिस और सरकारी ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।